जन्माष्टमी के मद्देनज़र चंडीगढ़ के सैक्टर 40 स्थित हनुमंत धाम मंदिर के महिला सुंदरकांड सभा वालों एक अनोखे अंदाज दे विच जन्माष्टमी नू मनाया गया। इस मौके हांडी फोड़ समागम भी किया गया, जिस विच स्कूल दे बच्चियां अते कंप्यूटर इंस्टीट्यूट दे बच्चियां ने हिस्सा लिया। 25 फुट उच्ची डोर दे नाल बन्नी दुध दही मक्खन दी हांडी नू एक दूसरे दे कंधे उत्ते चढ़ के बच्चियां ने तोड़िया ते इह दृश्य रोमांचकारी ते उत्साहजनक सी, जिस नू वेखण लई श्रद्धालुआं दा तांता आखिर तक लग्या रहा जदों तक हांडी फुट ना गई। हांडी दे फुटण तों बाद पूरा मंदिर नंद दे आनंद पयो जय कन्हैया लाल दे रस्म जयकारियां दे नाल गूंज उठिया ते सारे श्रद्धालुआं ने एक दूजे नूं भगवान दे जन्म दिन दी वधाई दित्ती। सभा दे मेंबरां ते होर श्रद्धालुआं ने श्री कृष्ण दे सुंदर भजन गाए ते इस मौके नाच भी कीता ते हनुमंत धाम मंदिर नूं लाइटां दे नाल सजाया गया सी। इस मौके लड्डू गोपाल दा आकर्षक अते मनमोहक श्रृंगार करके उन्हां नूं गहिणियां दे नाल सजाया गया। जन्माष्टमी है, पूरा देश भगवान कृष्ण जी के रंग में रंगा हुआ है। हमने सोचा ये मटकी फोड़ का प्रोग्राम है, भगवान कृष्ण जी आपको पता है माखन बहुत प्यारा उनको था और वो माखन चुरा चुरा कर खाते थे, तो हमने हमारी संस्था ने हनुमान धाम की महिलाओं ने एक हांडी फोड़ का प्रोग्राम बनाया। क्यों ना अपने इतिहास को दोबारा फिर हम लोगों के बीच में लाएं और आज के यूथ को पता चलेगी कि भगवान कृष्ण जी की क्या क्या लीलाएं हैं। उन्होंने दुनिया को समझाने के लिए, समाज को समझाने के लिए बहुत लीलाएं करी है, उनमें से ये एक विशेष लीला है जो मटकी फोड़ की है। जब यशोदा माता ऊपर रखती थी माखन की मटकी, तो भगवान कृष्ण जी ऐसे ही ग्वाल वालों के साथ ऊपर चढ़ के मटकी तोड़ते थे और माखन खुद भी खाते थे और ग्वाल वालों को भी खिलाते थे। तो जन्माष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाई हो। जगबाणी टीवी लिए चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट।